हमारी रवायात में है, अहदीस में है कि और उलमा ने भी लिखा है कि जनाब सईदा कायनात के बारे में सलामुल्लाह अलैहा के मन अरफा फातिमता हक्का मारिफतहा या मन अदरक फातिमता हक्का मारिफतहा फकद अदरक लैलतुल कद्र, जिसने हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत हासिल कर ली, उनके हक की मारफत के साथ, उसने लैलतुल कद्र को दर कर लिया। अच्छा बैठ जाए, मेरी बात पहुंच जाएगी, कोई जरूरत नहीं है, बस ठीक है, डिस्टर्ब नहीं कर। जिसने भी इस शहजादी को पा लिया और उनकी उनके हक की मारिफत के साथ उनकी मारिफत हासिल कर ली, उसने लैलतुल कद्र को पा लिया। इंशाअल्लाह आज की जो गुफ्तगू होगी वो बीबी के मलकुती मकामात को सामने रख के बयान करूंगा और उसके बाद दो दिन बीवी के अफकार और नजरियात बयान करूंगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाज़ रवायात में है कि मासूम से नकल है कि सुम्मियत फातिमा फातिमा, हमारी जद्दा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया है कि ले अन्नन्नासा फुतिमु अन मारिफतहा, क्योंकि लोग ले अन्नल खल्क फुतिमु अन मारिफतहा, तमाम मखलूकात फुतिमु ऐ मुनिउ या कोते, जो मकाम मारफत शहजादी का, तमाम मखलूकात चाहे वो इंस हो चाहे वो जिन हो, उस मकाम मारफत तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, इसलिए फातिमा नाम रखा गया है। जब भी आप किसी की मारफत हासिल करते हैं उस पर इल्मी इहाता पैदा कर लेते हैं। जनाब सैयदा कायनात का वजूद इतनी वसअत रखता है कि सारी मखलूकात जो अल्लाह की हैं कोई भी इस हकीकत के ऊपर आता इल्मी पैदा नहीं कर सकता, एक हद तक मारफत हासिल कर सकेगा। लिहाजा अगर इन्हें पहचानना है तो या खुदा बतलाए ये कौन है, या फिर वो नबी बतलाए जो मिस्दा के पमा यंत को अनिल हवा इन वल्ला वहिर यूहा है, जो तमाम आवालम की हकीकत पर आगा और आशना है। असम इसको आवाज कम करें आसा थोड़ी सी प्लीज। वाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जितने यहाँ लोग बैठे इतनी आवाज होनी चाहिए ना, इतनी आवाज है जैसे मैं पता नहीं 10,000 बंदों में तकरीर कर रहा हूँ। बहुत यहाँ ऊंचा बोलने की जरूरत भी नहीं है इतना। लिहाजा यह खुद मासूम बतला सकते हैं जिनकी हकीकत और जनाब सैयदा की हकीकत एक है, उनकी बारगाह में जाना पड़ेगा कि ये किस मकाम की मालिक हस्ती है ये शहजादी। और आप जानते हैं कि इन तमाम हस्तियों का वजूद इसलिए है कि हमारी हिदायत के लिए है। इनका कौल, इनका फेल, इनका अमल, इनकी तकरीर, कोई किसी अमल को अंजाम दे और ये ना रोके, मासूमीन का हर अमल हमारे लिए हुज्जत है। ये लिहाजा इस हस्ती की मार्फत के लिए हमें मासूमीन की बारगाह में जाना पड़ेगा। चंद रवायात और आदीस जो बीबी की अजमत के बारे में मासूमीन ने नकल किए हैं उनको थोड़ा सा बयान करूंगा और उनकी थोड़ी सी वजाहत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये रवायत छठे इमाम ने बयान फरमाई है और उन्होंने अपने वालिद गिरामी, और ये सिलसिला हदीस चलते चलते रसूल खुदा तक जा पहुंचता है। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि खुले का नूर व फातिमा ता कबला युखलकुल अर्ज व समा, जमीन व आसमान की खिलकत से पहले खालिक कायनात ने नूर फातिमा को खल्क किया। अभी तर्जमा है, फकाल बाज़ुन्नास, लोगों ने पूछा जो वहां मौजूद थे, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, फलैसत या इंसिया, क्या ये शहजादी इंसान नहीं है? क्योंकि वह जानते हैं कि इंसानों की खिलकत जमीन और आसमान की खिलकत के बाद हुई है। रसूल खुदा ने फरमाया फातिमा हौरा है और इंसिया है। हौरा है और इंसिया है। कालू या नबी अल्लाह, फिर साहबा ने पूछा है अल्लाह के नबी, फकैफ हिया हौरा इंसिया, ये शहजादी हौरा कैसे है और इंसिया और इंसान कैसे है? काला, रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खलकल्लाहु, खलकहल्लाहु अज़्ज़ा वजल मिन नूर ही, खालिक़े कायनात ने फातिमतुज़्ज़हरा को अपने नूर से खल किया है। कबला यखलुक आदम इज़ कानतिल अरवाह, आदम की खिलकत से पहले नूर फातिमा और हकीकत फातिमा को अल्लाह ने खल किया। जब आलम अरवा था, जब जमीन नहीं थी और आसमान नहीं थे। कीला या नबी अल्लाह वाइन कानत फातिमा, उस वक्त फातिमा कहां रहती थी जब जमीन और आसमान खल्क नहीं हुए थे? उस वक्त सैयदा कायनात कहां रहती थी? काला सल्लल्लाहु अलैहि वाले कानत फी हुक्कतिन तहत साकिल अर्श, ये शहजादी अर्श की साक तले उस जगह पर साकिन थी और तशरीफ फरमा थी। कालू या नबी अल्लाह फमा कानत आमहा,
ए अल्लाह के नबी, उस वक्त फातिमतुज़ ज़हरा की गजा क्या थी? काल अत्तस्बीह व तकदीस व तहलील व तहमीद व तहमीद। गजा क्या थी? तस्बीह खुदा, तकदीस खुदा, तहलील खुदा और तहमीद खुदा, हम्द खुदा। ये बीबी की गजा थी उस आलम में। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह के नबी ने क्या बतलाया कि सईदा कायनात की खिलकत जमीन और आसमान की खिलकत से पहले है। ये जो आलम है, अवालम है, जिनमें शम्स कमर हैं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, जितने भी अवालम इस कायनात में, जमीन है, आसमान है, हर चीज से पहले अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं खुदा ने नूरे फातिमा को खल किया। तो चाहता हूं, कहा मेरी बेटी के दो पहलू है, दो जिहते हैं उनके वजूद की। एक वो वजूद है जो उस आलम की खिलकत से पहले है और एक जमीनी खिलकत है। एक जमीनी खिलकत है कि वह नूर और वह हकीकत इस आलम में तशरीफ लाया, वो बाद में लाया, लेकिन उस आलम में उसकी खिलकत जमीन और आसमान हत्ता हजरत आदम के वजूद की खिलकत से पहले नूर फातिमा तो जहरा की खिलकत है। रुपए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये रवायात अपनी जगह पर तशरी की तालिब हैं, तफसीर की तालिब हैं, लेकिन आज सिर्फ तर्जुमा बयान करूंगा इनका और कल थोड़ी सी वजाहत करूंगा। दूसरी हदीस, ये जो हदीस है ये अहले सुन्नत ने भी नकल की है, अहले तशय्यु ने भी नकल की है और मुअस्सक है कि इन्ना रब यरज़ा लिरज़ा फातिमा व यग़ज़िब लिग़ज़ब फातिमा। तो जो जाता हूं हदीस की भी थोड़ा सा तर्जमा और तशरी करूंगा, फिर पहली हदीस की तरफ वापस आऊंगा। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि रब जो है अल्लाह, वो राजी होता है वहां पर जहां फातिमा राजी हो, और गजबनाक होता है वहां पर जहां हजरत फातिमा गजबनाक हो। इंसान, मैंने पहले भी एक जगह तकरीर में कहा था, मौला अली से ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, दामतुल इंसान अल अकल, इंसान की इंसानियत का सुतून अकल है। यानी चे यानी इंसान की रजा का महवर भी अकल हो और उसकी नाराजगी और नापसंदीदगी की वजह भी अकल ठहरे। अकल की बुनियाद पर इंसान, मेयार अकल हो, जाती हवा हवस ना हो, ख्वाहिशात नफसानी ना हो, जाती बुग्ज़ और इनाद ना हो, जाती पसंद और नापसंद ना हो, इंसान अकल बिना, अकल की बिना के ऊपर राजी हो या नाराज हो किसी से। यानी ये इंसान है जो वाकियन इंसान है और जो हवा हवस की बुनियाद पर, जाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर, दुनिया की मोहब्बत की बुनियाद पर, मकाम और मनसब और शोहरत की मोहब्बत की बुनियाद पर या और चीजों की वजह से किसी से खुश होता है, राजी होता है या नाराज होता है, ये इंसान नहीं है। ये इंसान नहीं है। ये पूरी की पूरी कायनात का निजाम जज्ब और दफ की बुनियाद पर है। इस आलम में कुछ चीजों को जज्ब किया जाता है जो मिजाज के साथ मैच करती हैं और कुछ को दफ किया जाता है जो मिजाज के साथ मैच नहीं करती। इंसान के वजूद का निजाम भी ऐसा ही है, कुछ चीजों को जज्ब करता है, कुछ को दफ करता है। नबातात भी ऐसे ही हैं, कुछ चीजों को जज्ब करते हैं, कुछ चीजों को दफ करते हैं।
जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें जल्द कर लेते हैं, जिन्हें नापसंद करते हैं उन्हें दूर कर देते हैं अपने से। पसंदीदगी यानी किसी चीज को जज्ब करना, किसी को चाहना, नाराजगी किसी चीज से दूरी इख्तियार करना, नापसंद करना। मौलाए कायनात जो हकीकत इंसान से आशना है, बल्कि जो किबला और काबा है हकीकत इंसान का, जो इंसान बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो जहरी शक्ल में इंसान होता है, वो आया है इंसान बनने के लिए, इंसान बनने के लिए आया है, ताकि इसका अंदर भी इंसान हो जाए, इसका बातिन भी इंसान हो जाए। आपने उलमा से सुना भी होगा, छठे इमाम अलैहिस्सलाम का दौर है, इमाम हज पर है, अबू बसीर साथ है, उसको ठेले लगते हैं, एहसास करता है हाजी बहुत ज्यादा हैं। इमाम से कहता है मौला हाजी बहुत ज्यादा हैं। इमाम फरमाते हैं कि मा अक्सर जजीज व अकल्ल हजीज, हाजी थोड़े हैं और शोर करने वाले ज्यादा हैं। जब उसकी निगाहों से हिजाब हटता है और हकायक देखता है तो उसको लोग मुख्तलिफ शक्लों में, हैवानों की शक्ल में नजर आते हैं। क्यामत का दिन भी योम तुबला सरायर है, जिस दिन कोई राज राज नहीं रहेगा, इंसान की हकीकत सामने आ जाएगी। लिहाजा बाकी जो हैवानात हैं उनकी निस्बत और इंसानों की निस्बत यही फर्क है कि वो दुनिया में हैवान ही आते हैं और हैवान ही मरते हैं, हैवान ही होता है वो, हैवान बनने के लिए नहीं आते। इंसान जिस दुनिया में आता है वो इंसान बनने के लिए आता है, और वो कैसे बनेगा इंसान? मासूमीन के जरिए, उनकी हिदायत के जरिए, अपने अकायद के जरिए, अपने अफकार और नजरियात के जरिए, अपनी सिफात के जरिए और अपने किरदार और अमल के जरिए ये इंसान बनेगा। आइमा ने मुसलमान इंसान बनाने के लिए हिदायत यानी इंसान बनने का रास्ता और तरीका, हिदायत सिरात मुस्तकीम, वो इंसान बनाने आए हैं। लिहाजा बाज़ उलमाए अखलाक ने लिखा है कुतुब में आइमा अलैहिस्सलाम की रवायात और फरामीन से इस्तिखराज किया इसको, इस दुनिया में मुमकिन है हमारी एक शक्ल है, सूरत है, दो सूरतें नहीं है। क़यामत के दिन जब इंसान की तमाम सिफात ज़ुहूर करेंगी, खुदा ना खास्ता अगर बुरी हैं, तो कई शक्लों वाला आदमी होगा वहां पर, कई शक्लें होंगी उसकी, जैसा जैसा अमल था वैसी वैसी सूरत होगी उसकी, वैसी सूरत होगी, और बदतरीन और कभी तरीन शक्ल होगी अगर इसके अकायद बुरे थे, इसकी सिफात बुरी थी, इसके अफकार और नजरियात बुरे थे और गुमराह था, और इसका अमल बुरा था। ये असरात होते हैं, हमने इंसान बनना है, हम यहां इंसान बनना। आप मुझे बताएं ना, वो इंसान था जो इमाम की शहादत के बाद इमाम की गुश्तर उतारने के लिए उंगली काटता रहा? वो इंसान था जो इमाम के बदन को लूटता रहा? वो इंसान था जो शहजादियों के सरों से चादर छीनता रहा? कह सकते इंसान है ये मशुदा लोग हैं। इंसान अपने अमल के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी रफ्तार के जरिए, अपने अफकार नजरियात के जरिए फरिश्तों से भी बुलंदतर हो सकता है और हैवानों से भी बदतर हो सकता है। कुरान ने कहा है उलाइका कल अनामे, वो हैवानों की तरह है, बलुम अजल, बल्कि उनसे भी बदतर है। ये कुरान ने कहा है कि इंसान अगर अपनी तरफ तवज्जो ना दे, अगर हादियान बरहक से दूर हो जाए, अगर इनकी मोहब्बत दिल में ना हो, इनसे दूर हो जाए, इनसे फासला पैदा कर ले, बर्बाद हो जाएगा। इंसान बनने के लिए हम आए इस दुनिया में, कुरान इंसान बनाने के लिए, वही इंसान बनाने के लिए, इमाम इंसान बनाने के लिए, इनकी मावद्दत और मोहब्बत भी इंसान बनाने के लिए है। एक अजीम जखीरा है, सरमाया है इंसान साजी का, इनका कुर्ब और इनकी मावद्दत और मोहब्बत। लिहाजा इंसान बनने के लिए हम आए हैं, आइमा अलैहिस सलाम हमारे हादी इंसान साजी के लिए आए हैं। इंसान कैसे बनना है?
मासूम फरमाते हैं, दामत मौला अली फरमाते हैं, इमाम सादिक ये फरमाते हैं, सच्चा इमाम सादिक इमाम। कैसा इमाम? जो ये इरशाद फरमाते हैं, अरा नूर अल वही व रसाला व शुम रिहन नबुवा, जब वही नाजिल होती थी मैं वही को देखता था, नूर वही को देखता था, नूर रसालत को देखता था, नबुवत की खुशबू सूंघता था। वो इमाम, वही मामले शाद फरमा रहे, दामत अल इंसाने अल अकल, इंसान की इंसानियत का बेयार मिला क्या है? अकल। कितनी रियासत करनी पड़ेगी, कितने सैर सलूक के मराहिल तय करने पड़ेंगे, किस कदर मुतवज्जे रहना होगा, किस कदर गफलत से निकलना होगा कि हमारी रजा पसंद और नापसंद, रजा और गजब का मेयार और मिलाक अकल ठहरे। आप देख रहे हैं अपने कामों को, देखें कौन सा काम आपको अच्छा लगता है जिसको अंजाम देते हैं। आप अपनी जिंदगी में देख लें, हम खानदान की खातर, रिश्तों की खातर, दोस्तों की खातर, कबीले की खातर, दुनिया की खातर, पैसे की खातर चीजों को अंजाम देते हैं, बेशक अकल उन्हें नापसंद करे। गौर और फिक्र ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। और कुरान ने जगह जगह कहा कि अपनी अकल को इस्तेमाल करो। अफला यतदब्बरून अल कुरान अला कुलूबिन अक्फालहा, ये कुरान में गौर और फिक्र नहीं करते? कुरान कहते सारी कायनात में ये निशानियां किसके लिए? लायातिन लिउलिल अलबाब, साहिबान अकल के लिए, साहिबान अकल। कुरान हमें खिताब करता है अकल हमारी को सामने रखकर, ऐ साहिबान अकल गौर और फिक्र करो इस कायनात के अंदर, इस कुरान के अंदर गौर और फिक्र करो। लिहाजा हमने इस तरह सफर करना है। लिहाजा इमाम जो हमारा हादी और पेशवा इमाम है, वो क्या इरशाद फरमाते हैं? जो बाब मदीनतुल इल्म है, क्या इरशाद फरमाते हैं? दामतुल इंसाने अल अकल, इंसान की इंसानियत का मेयार क्या है? अकल है, अकल। आपने किसी से दोस्ती करनी है या दुश्मनी करनी है, मेयार क्या होगा? अकल। अकल कहती है कि अदल अच्छा है और जुल्म बुरा है, अदल को की तरफ जज्ब होना है और जुल्म से फासला लेना है, यह अकल है। अकल मेयार देती है, अकल कहती है कि हम उसूल फिक में कहते हैं या फलसफे में भी कि अकल हुसन को भी अकली की बात करती है कि आदल हुसन है, हुसन रखता है, आदल खूबसूरत है, आदल जीबा है, उसको जज्ब करो, उसकी तरफ चले जाओ, आदल की मिलाक पर बातें करो और काम करो। और जुल्म क्या है? बुरा है, कभी उसे दूर रहो, आदल के करीब हो जाओ, जुल्म से दूर हो जाओ। यानी इंसान वो है जिसकी जिंदगी का मेयार आदल ठहरे और जुल्म से दूर रहे। खालिक कायनात ने सारे का सारा निजाम इस कायनात का आदल की बुनियाद पर उस्तवार किया है। बिल अदल कामत समवात वल अर्ज, जमीन और आसमान भी आदल की बुनियाद पर अपनी जगह पर कायम है। खुदा ने तमाम अंबिया को भेजा किस लिए? अदल के निफाज के लिए। लकद अरसलना रुसलना बिल बय्यिनात व अनज़लना माहुमुल मीज़ान, माहुल किताब वल मीज़ान लियकूमन नासु बिल क़िस्त। अल्लाह ने भेजा कि जमीन पर अदल नाफिज रहे, अदल की बुनियाद पर मुआशरे कायम हो, मुआशरों के वजूद की बुनियाद और असास अदल ठहरे। पूरी कायनात के अंदर निजाम अदल उस्तवार है। लिहाजा आलम तकवीन में भी निजाम अदल है और आलम तशरी में हमने अपने इख्तियार से निजाम अदल को लेके आना है और अदल की बुनियाद पर रवाबित को कायम करना है। यह हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा इम्तिहान है। कायनात का पूरा निजाम, हर चीज अपनी जगह पर है, कोई चीज अपनी जगह से हटकर नहीं चल सकती, अगर चले तो तबाह हो जाएगी। ये कायनात का निजाम अहसन और तकवीनी निजाम है। और हम लोग जो आलम तशरी में है यहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी इस मुआशरे के अंदर भी अदल का होना ये हमारा इम्तिहान है। अंबिया आए हैं, अहले बैत आए हैं, आइमा आए हैं,
कि हम अदल की बुनियाद पर इस माशरे की जिम्मेदारी लें और इसको आगे लेके चले। दामतुल इंसान अला अकल, इंसान जब तक अपने अंदर अकल की बुनियाद पर और अदल की बुनियाद पर तवाजुन पैदा नहीं करेगा, तआदुल पैदा नहीं करेगा, वो बाहर भी तवाजुन और तआदुल नहीं ला सकता। जो अंदर से अपने अंदर से ही लड़खड़ाता हो, जिसके बातिन जिसका अंदर ही अदल की बुनियाद पर ना हो, वो कैसे मुआशरे में अदल लेके आएगा। हमारे इमाम है वो क्या फरमाते हैं, दामतुल इंसान अल अकल, इंसान वो है जिसका इरादा अकल के ताबे हो, जिसकी पसंद और नापसंद अकल के ताबे हो। इरादा करते वक्त देखे ये जुल्म है या अदल है, अगर अदल है तो उसका इरादा कर ले उसकी तरफ जाए, अगर जुल्म है तो उससे दूर हो जाए। ये है इंसान जो हमारे इमाम तारीफ करते हैं इंसान की। हम उसको इंसान कहते हैं जो देखता है, जो खाता है, जो पीता है, जो सुनता है, जो सोता है, जो चलता फिरता है, जागता है, इसको हम इंसान समझते हैं। इमाम कहते हैं ये इंसान नहीं है, ये बाकी हवानात भी ऐसे ही हैं, वो भी देखते हैं, वो भी खाते पीते हैं, सुनते हैं, वो भी चलते फिरते हैं, उन्हें भी सर्दी गर्मी लगती है। इंसान वो है जिसकी शख्सियत का सुतून अदल ठहरे, अकल ठहरे। ये इंसान, अब ढूंढने जरा ऐसा इंसान, ऐसे इंसान मुआशरे में इमाम खुमैनी कुद्दस सिर्रो, बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे सामने है जो तालिय तिल वे मासूम है, जो तालिय तिल वे मासूम है, ये हस्ती हमारे सामने है, ये हमारे लिए नमूने अमल है। आज के दौर में हमारे सामने हैं ये लोग, कासिम सुलेमानी इन्हीं लोगों में से एक था। एक ऐसी शख्सियत था वो मजलूमों के हक में पूरी दुनिया के जालिमों के खिलाफ मैदान में मौजूद था या नहीं, दुनिया में आलमी इस्तकबारी कुव्वतों के मुकाबले में खड़ा था। ये था जिसके वजूद की असास और बुनियाद अदल पर उस्तवार थी, वो जुल्म से नफरत करता था, वो जालिमों के मुकाबले में था। ये इंसान है, मौला अली उसे इंसान समझते हैं जो अदल के हमरा हो और जुल्म के मुकाबले में हो। आप मुंतजिरों ने इमाम जमाना के क्या करेंगे, इमाम आकर यमलाउल्लाह बिल अर्ज़ा किस्तन व अदला कमा मौलिया जुल्मन व जोहरा, इमाम आएंगे अदल का नफाज करेंगे, अदल का नफाज। इमाम का साथ वो दे सकता है जिसके बातिन में अदल आ चुका हो, जिसके अंदर अदालत मौजूद हो, जो बहनों का हक मारे, भाइयों का हक मारे, रिश्तेदारों का हक मारे, हमसाय का हक मारे, मां बाप का हक अदा ना करे, ये कैसे इमाम के साथ चल सकता है। जो मुआशरे में जुल्म और चुप बैठा रहे, ये कैसे इमाम का साथ दे सकता है। ना सिर्फ चुप रहे बल्कि जालिमों के साथ बैठ जाए, ये कैसे इमाम का साथ दे सकता है। दामतुल इंसान अल अकल, कासिम सुलेमानी शहीद ऐसा ही था, वाकया ना ऐसा था। राजा कोई अब चले जाएं, फिलिस्तीनी कहते हैं वह शहीद उल कुद्स, मैं खुद जनाजे में मौजूद था, इस्माइल हनिया आया उनके जनाजे में, सामने जनाजा था और तकरीर की उसने, जो हमास का सियासी सरबरा है, क्या कहा उसने, हुवा शहीदुल कुद्स, हुवा शहीदुल कुद्स, हुवा शहीदुल कुद्स, और किबला अव्वल के मजलूमों का हामी और किबला अव्वल के शहीद है। यमन वाले कहते हैं वो शहीद यमन है, लुबनान वाले कहते हैं शहीद लुबनान है, शाम वाले कहते हैं शहीद शाम भी है, और शहीद हरम सानी दिफा है, शहीद हरम सानी जहरा भी है, उस बीबी के दिफा के हरम इराक का शहीद है। इराकी कहते हैं कि वो ना होता तो हमारा मुल्क टूट जाता, हर मजलूम कहता है वो ना होता, रूहानी कहते हैं उसने हमारी मदद की, फलस्तीनी कहते हैं वो गजा में आता था, यहाँ हमारे पास मुहासरे में गजा लांगे वहां आता था। अमरली के मजलूम कहते हैं कि जब हम चारों तरफ से दाइश के मुहासरे में थे, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता था, हेलीकॉप्टर में उतरा और उस मुहासरे को उसने आके तोड़ा इराक में।
ये है वो इंसान जिसे मौला अली इंसान कहते हैं। ये इंसान इंजीनियर अबू मेहदी इंसान। और जब इंसान वाकियन इंसान होता है और उसकी वजूद की साख्त और बातनी स्ट्रक्चर अदल और अकल की बुनियाद पर इस्तवार होता है, फिर उसके लिए कोई चीज कंफ्यूज नहीं करने वाली होती, चीजें क्लियर होती है उसके सामने, वाजे होती है मंजिल, रास्ता, सफर, मुश्किलात वाजे होती है, दुश्मन को भी सही पहचानता है वो, उसके लिए कोई चीज ढकी छुपी नहीं होती, तारीख नहीं होती। वो ऐसा था, लिहाजा उस जैसा कोई नहीं था। फिर मुझे एक दफा सैयद हसन नसरुल्लाह कहने लगे, उस तारीफ करते हुए कहने लगे कि फारसी में कहा, उसका तर्जुमा यह कि मन उयम व ऊ मनस्त, मैं वो हूं और वो मैं हूं, हम दो बॉडीज हैं, दो काले में एक जान है हमारी, एक जान। कहने लगे 33 दिन जो जंग इसराइल ने हमला किया था, 30 दिन हमारे साथ था वो, ये जुल्म के मुकाबले में वहां पहुंच गया फ्रंट लाइन पर। ये है इंसान, ये इंसान जो हम पर हुकूमत करते हैं, ये मस्क शुदा है, खुदा गवाह है, ये इंसान नहीं है। ये इंसान की सूरतें असूरतें हैं, सूरत असूरत और सूरत और इंसान, और बातन बदतरीन हैवानों से भी बदतर। जब इंसान की इंसानियत का मेयार अकल ठहरती है और अदल ठहरती है, वो बुज़दिल नहीं होता, फिर वो मक्कार धोखेबाज चकरबाज नहीं होता, वो सादिक और सच्चा होता है, हर किसी के साथ सादिक और सच्चा होता है, अतः दुश्मन के साथ भी सादिक और सच्चा होता है। ये इंसान अपने हुक्मरानों को देखो, इंसान है जो हम पर मुसल्लत होते हैं, हम खुद इनको अपने पर मुसल्लत करते हैं, मस्तशुदा लोगों को वोट देकर मुसल्लत करते हैं, दुनिया परस्तों को, शावत परस्तों को, शोहरत परस्तों को हम मुसल्लत करते हैं अपने ऊपर। इसका मतलब है हमें अपने भी इंसान होने के बारे में शक करना चाहिए। दामतुल इंसान अल अकल। 33 रोजा जंग में कहां था, फ्रंट लाइन पर था, शाम सैयद हसन ने कहा, कहने लगे, मैंने कहा यहां से चले जाओ, यहां हालात ठीक नहीं है। कहा नहीं, मेरा जीना मरने यही है। इराकी कहते थे हालात खराब है, इधर ना आओ। कहने लगा कि इराक की सरजमीन में कोई अल्लाह ने खास राज पिन्हा कर रखा है कि करबला यहां है, मौला हुसैन का पाक खून इस सरजमीन पर गिरा है, 72 पाकीजा लोगों का खून यहां गिरा है, मौला अली का खून यहां गिरा है, हमारे आइमा के बदन के टुकड़े, जिगर के टुकड़े कट के खून की शक्ल में यहां गिरे हैं, लिहाजा मेरी आरजू है कि मेरा खून भी इसी सरजमीन पर गिरे, इसी सरजमीन में जज्ब हो जाए। किस निगाह से देखता है इराक को, हम किस निगाह से देखते हैं, बेवफाओं की सरजमीन, पता नहीं फलानों की सरजमीन, ऐसे देखते हैं ना, वो किस निगाह से देखता है कि वो सरजमीन है जहां मेरे मौला हुसैन का पाक खून गिरा है, ये मुकद्दस है, ये इसमें कोई खास राज है, करबला यहां करबला है, कोई खास राज है इसमें। इंसान ये है, हाकिन इंसान है, जुल्म के खिलाफ, जब जुल्म के खिलाफ है तो फिर उसकी सरहद, किसी सरहद का वो कैदी नहीं है, कोई सरहद उसके रास्ते की दीवार नहीं है, वो जहां मजलूम है उनके साथ है। फिर और आपके मौला अली ने क्या कहा था, कुन लिज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम आउना, जालिमों का दुश्मन बन के रहना और मजलूमों का मददगार बन के रहना। आगा जान, खस्म का माना खाली मुखालफ नहीं है जालिमों का, यानी जालिमों के गिरेबान में हाथ डालने वाला बनना। खस्म किसे कहते हैं, जालिम के गिरेबान में हाथ डालना है हमने, ये है मौला अली का शिया, ये है मौला अली की निगाह का इंसान, शिया यानी इंसान, मौला अली की निगाह में जो इंसान है। कुल लिज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम आउना, जालिम के गिरेबान में हाथ डालना और मजलूम की हिमायत नहीं, मदद करना, साथ खड़े होना,
मजलूम के साथ खड़े होना, यह इंसान मौला अली का, यह शिया मौला अली का। कासिम सुलेमानी ऐसा ही था, वो ऐसा इंसान था, हर मजलूम के साथ था, यमन वालों के साथ था, बहुत बाबसीरत था, क्योंकि ऐसा इंसान फिर इलाही बसीरत और इलाही निगाह से चीजों को देखता है। यमन वालों को इतना ताकतवर कर दिया कि आज 5 साल हो गए हैं वो डटे हुए हैं, और एक पूरी दुनिया के तागूतों, शैतानों, फिरौनों, इबलीसों का अलाइंस है जिसके मुकाबले में वो खड़े हैं। फलस्तीनियों को इतना ताकतवर बनाया कि अब वो गजा से तलबी पर मिसाइल मारते हैं। ये है वो, अपना मोहताज नहीं बनाता किसी को, उनको ताकतवर बनाता है ताकि जालिमों से लड़ सके, डिक्टेट भी नहीं करता उन्हें। ये इंसान, ये मकतब आशूरा, मकतब सईदा फातिमा तो जहरा में तरबियत पाने वाला इंसान। आवाज़ें बुलंद सलावा, जिसका इरादा फना था, ताबे था अकल के, ये एक दर्जे का इंसान है। ये ऐसे किबरीत अहमर की तरह है, चिराग ढूंढने से आपको कम मिलेंगे। हर कोई ऐसा नहीं होता, रियाजत करनी पड़ती है, हवा हवस को खत्म करना पड़ता है, अपने वजूद के अंदर से इस गंदगी और नजासत को उठा के बाहर फेंकना पड़ता है, लालच हर चीज की जो नजासत है उसको दूर करना पड़ता है अपने बदन से। इसके बाद अगला मरहला कौन सा है? अगला मरहला है दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अगला मरहला है दोस्तों गौर से सुनना, कि इंसान का इरादा फना हो जाए अल्लाह के इरादे में, इसे माफोक है, इंसान का इरादा फना हो जाए अल्लाह के इरादे में, जो अल्लाह चाहे वही ये चाहे, जो अल्लाह ना पसंद करे वो यही, वो भी ये ना पसंद करे, इसका इरादा फना हो जाए अल्लाह के इरादे में। ये मकाम इस्मत कुबरा है, यहां पर इंसान आकर मासूम हो जाता है। जो खुदा चाहता है वही ये चाहते हैं, जो खुदा की रजा है वो इनकी रजा है, जो खुदा का गजब है वो इनका गजब है, जो खुदा को ना पसंद है वो इनको ना पसंद है। ये इंसान बुलंद होता है, बुलंद होता है, और उस मकाम तक जा पहुंचता है जहां इसका इरादा अल्लाह के इरादे में फना हो जाता है। इस मकाम तक जा पहुंचता है, अल्लाह के इरादे में फना हो जाता है। ये मकाम इस्मत है, वमा यशाउन अल्लाह यशाअल्ला, जो अल्लाह चाहता है वही ये चाहते हैं। इनकी रजा ताबे है अल्लाह की रजा के, इनका गजब ताबे है अल्लाह के गजब है। ये क्यों राजी है? क्योंकि अल्लाह राजी है। ये क्यों यहां गजबनाक है? क्योंकि अल्लाह गजबनाक है। ये मकाम इस्मत है दोस्तों। अल्लाह के नबी ने यह इरशाद नहीं फरमाया कि इन फातिमता तरजा ले रजा रब वताग़ज़िब ले गज़ब रब, ये नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह की रजा फातिमा की रजा है और अल्लाह का गजब फातिमा का गजब है। ये वो मकाम है जहां इंसान का इरादा अल्लाह के इरादे में फना हो जाए, ये नहीं कहा अल्लाह के नबी ने। मकाम इस्मत कुबरा क्या है? यानी इस इंसान का इरादा अल्लाह के इरादे में फना हो जाए, इसका गजब अल्लाह के गजब में फना, इसकी रजा अल्लाह की रजा में फना, इसकी रजा ताबे और अल्लाह की रजा के, अल्लाह राजी है पस ये राजी है, अल्लाह गजबनाक है इसलिए ये गजबनाक है। शहजादी के बारे में नबी ने ये नहीं कहा, क्या कहा? इन रब यरजा ले रजा फातिमा व यगज़िब ले गज़ब फातिमा, अल्लाह इसलिए राजी है कि फातिमा राजी है, अल्लाह इसलिए गजबनाक है कि फातिमा गजबनाक है। जहां बीबी की रजा आ जाए अल्लाह की रजा आ जाएगी,
बीबी का गजब आ जाए, अल्लाह का गजब आ जाए, गुरु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं नहीं समझा पाया उसको, फिर गौर से सुने। मकाम इस्मत कुबरा क्या ठहरा कि इंसान का इरादा फना हो जाए अल्लाह के इरादे में, यानी जहां अल्लाह राजी हो वहां ये राजी हो जाए, जहां अल्लाह गजबनाक हो वहीं ये गजबनाक हो। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि जहां अल्लाह राजी है वहां फातिमा राजी है, जहां अल्लाह गजबनाक है वहां क्या कहा, जहां फातिमा राजी है वहां अल्लाह राजी है, जहां फातिमा गजबनाक है वहां अल्लाह गजबनाक है। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मकाम है सईदा फातिमा दुजारा सलाम अल्लाह अलैहा, हमारी अकलों से बाफौक है, हमारे वहम व गुमान से बालातर है, हम नहीं समझ सकते इसको। मकाम इस्मत कुबरा ये ठहरे कि इंसान की रजा ताबे हो जाए अल्लाह की रजा के, अल्लाह की रजा इसकी रजा, अल्लाह का गजब इसका गजब, और मकाम फातिमा दुजहरा ये ठहरे कि फातिमा की रजा अल्लाह की रजा और फातिमा का गजब अल्लाह का गजब ठहरे। पढ़ ले फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा शहजादी इस मकाम और मर्तबे की मालिक है अल्लाह के नबी की जुबान से, इस मकाम और मर्तबे की मालिक है। रजा रवायात को अगर इंसान देखता है तो हैरान रह जाता है, और बीबी तमाम शहीदों की मां है। आए कासिम सुलेमानी को अजीब इश्क था शहजादी के साथ, अजीब इश्क था। तकरीबन जहां तक मेरे मुझे याद है कि शायद हर जुमरात को बीबी की मजलिस रखते थे, मजलिस अज़ा रखते थे अपने घर में। खास कुर्ब था बीबी के साथ, उनका ताल्लुक खास था। बीबी की मवद्दत और मोहब्बत जो है आपको इन जुलमात से निकालेगी, बीबी के करीब ले जाएगी। जितना जितना बीबी के करीब चलते जाएंगे उतना ही बीबी अल्लाह के अस्माए हुस्ना की मज़र कामिल और अकमल और ताम और अतम है। तो अल्लाह के अस्माए हुस्ना की तजल्ली के जो अनवार हैं वो आपके वजूद पर पड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनके वजूद पर शहजादी के पाक वजूद के जो अनवार हैं, जो बीबी अल्लाह के अस्माए आजम की तजल्ली है ना, सुबहान अल्लाह की तजल्ली बीबी है, जलवा और मजहर है अल्लाह के इसमें, सुबहान अल्लाह इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें, अल्लाह अकबर। बीबी की गजा क्या थी, सुबहान अल्लाह। बीबी की गजा क्या थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। बीबी की गजा क्या थी, अल्हम्दुलिल्लाह। बीबी की गजा क्या थी, अल्लाह अकबर। ये चार जो अस्माए आजम हैं, अल्लाह के नबी ने क्या कहा जब पूछा गया कि उस सा के अर्श के नीचे जब बीबी थी तो बीबी की गजा क्या थी, सुबहान अल्लाह। यानी अल्लाह का जो इसमें आजम सुबहान अल्लाह है, इसकी तजल्ली थी बीबी की हकीकत पर, जलवा था बीबी, मजहर थी इसकी, अल्लाह अकबर की मजहर और तजल्ली थी बीबी। अल्हम्दुलिल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह की। काश मुमकिन होता इनकी मैं वजाहत करता, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी मकाम तौहीद की तजल्ली इसमें आजम है अल्लाह का, ये कल्ब वजूद हकीकत फातिमा ज़हरा पर। जब इन अस्माए आजम की बीबी तजल्ली और मजहर ठहरी तो आप बीबी के जब करीब होते चले जाएंगे, आप अपने आप को पाक किए बगैर बीबी के करीब नहीं जाएंगे, बीबी की मवद्दत आपको पाक करेगी, बीबी का कुर्ब आपको पाक करेगा, बीबी की इताअत और इत्तबा आपको पाक करेगी। जो जो पाक होते चले जाएंगे उन अनवार मुकद्दसा की तजल्ली आपके वजूद पर पड़ेगी, खास ताल्लुक खातर पैदा हो जाएगा शहजादी के साथ। सैयद कासिम सुलेमानी ऐसे ही थे, ये लोग ऐसे ही हैं।
दूर पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बीबी की निगाह खास है इस रास्ते में जो चलते हैं जालिमों के मुकाबले में। बीबी चाहती है कि इस आलम में शिर्क ना हो, क्योंकि वो मजहर है अल्लाह अकबर की, ला इलाहा इल्लल्लाह की। बीबी मजहर और तजल्ली है इसमें आजम ला इलाहा इल्लल्लाह की, तौहीद, इसमें तौहीद की तजल्ली है बीबी, इसमें आजम है ये। बीबी मकाम तौहीद की आला तरीन तजल्लियात में से है और मजाहिर में से है। जब इस मकाम पर है तो शिर्क की नफी ये कामिल और अकमल और ताम और अतम है। तमाम तागूतों के मुकाबले में नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह है तमाम तागूतों के मुकाबले में। और जो बीबी के करीब हो जाएगा, बीबी की इत्तबा करेगा, वो भी इस दुनिया में उसका पूरा वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह उसमें मुजस्सम नजर आएगा। और कासिम सुलेमानी ऐसे ही था, वो वाकया ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी जिंदगी में नजर आता था, पूरी दुनिया के तागूतों के मुकाबले में वो स्टैंड लेता था और इस शिर्क की नफी करता था। आसानी से लोग अमेरिका के नीचे चले जाते हैं, इसराइल के नीचे चले जाते हैं, आले सऊद के नीचे चले जाते हैं, ये मुशरिक है सारे के सारे। वो ऐसा था राजा, जैसा शहजादी की खास तवज्जो होती है। सैयद हसन रसूलल्लाह, जब भी मुझे तौफीक खुदा देता है मैं उनके पास जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि कोई वाकया सुनाए, कोई ऐसा वाकया जो कि आप के मसलन करामत और मौजदे की तरह का है। तो कहने लगे कि हमारे दो दोस्त शहीद हो गए कुसैर में, शाम के इलाके कुसैर में। जब उनके जनाजे आए तो उनकी माँ को पता चला कि वो तो कुसैर में शहीद हुए हैं, और ये बतला गए थे कि हम बीबी के हरम का दिफा करेंगे। वो सोचती थी कि हरम के करीब शहीद हुए होंगे, वो जंग लड़ते लड़ते उन्हें पीछे धकेलते कुसैर तक चले गए। तो हजरत सईदा कायनात से तवस्सुल करती हैं, शहजादी मेरे दिल में किस तरह है, मुझे बताएं ना मेरे बेटे किस हाल में है। इस दुनिया के ताबूतों शैतानी कुवतों से लड़ने वाले। अगले दिन इसके भांजे का, जो उसकी बहन का बेटा था, ये मुझे खुद सैयद हसन ने बताया, सैयद हसन रसूलल्लाह ने, इसको टेलीफोन आया, कहा खाला आपने कोई शहजादी से तवस्सुल किया है? कहा हाँ बेटा। कहा शहजादी ने मुझे ख्वाब में आके कहा है कि तेरे दोनों शहीद बेटे मेरे पास हैं। देखे इस आलम का निजाम कैसा है, अदल की बुनियाद पर उस्तवार है। कहाँ हैं दोनों बेटे? मेरे पास हैं। सैयद हसन ने कहा कि इस माँ को क्यों नहीं ख्वाब आया? कहते अगर उसको मुमकिन है ख्वाब आता तो कोई ख्याल, कहती कोई ख्याल है, इसने किसी को नहीं बतलाया था दिल में जो बात रखी थी। ख्वाब भी वहीं पर आया जहां इसके बेटे शहीद हुए थे, और किसी को इसने बतलाया भी नहीं था। इसको यकीन हो गया कि बीबी ने ये पैगाम मुझे भेजा है। जो इस रास्ते पर चलते हैं शहजादी के पास चले जाते हैं, वो माँ है शहीदों की, वो इस रास्ते में जुल्म के मुकाबला करने वालों की मां है। लुबनानी कहते हैं 2006 की जंग में जिस रात हमें फतह हुई, उस रात हमें ये गुमान हो चला था कि हम मुआसरे में आगे और शिकस्त हो जाएगी, कि दुश्मन जो है उसकी फौजी हमारे पीछे उतर रही थी, हमारे पीछे उतर रही थी रात के वक्त, और हमारे पास नाइट विजन वाला असला नहीं था कि रात को हम मारे उनको। तो हमारा एक मुजाहिद जो था जिसकी मोटी मोटी शीशे वाली अनक पहने हुआ था, हमने तवस्सुल किया बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, शहजादी है ए दुनिया के अंदर जुल्म का मुकाबला करने वालों की मां, शहीदों की मादरे गिरामी, हमारी मदद कीजिए। वो कहते हैं मैंने क्या देखा, एक शहजादी है बुरका पोश है। मैं हैरान हो गया कि ये बीबी कहां आ गई है। मैंने कहा बीबी आप कौन है? कहा घबराओ नहीं, मैं अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा हूं, और मेरे साथ मेरी मां फातिमतुज़्ज़हरा भी आई है। वो देखो मेरी मादरे गिरामी है। कहते जब मैंने देखा, शहजादी कहती है परेशान क्यों हो? कहा बीबी आप देख रही है ना हमारे पीछे जालिम फौज उतार रहे हैं। कहते शहजादी ने ऐसे एक दफा हाथ किया, पूरा आसमान दिन की तरह रोशन हो गया। कहा बेटा इनको मारो।
हमने उनको मारना शुरू किया और उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली और सीज फायर हो गया। मेरी शहजादी इस तरह मदद करती है। आप उलमा से जाकरों से सुनते हैं ना कि मेरी शहजादी करबला में भी थी या नहीं, कहते हैं करबला में आई थी अपने हुसैन के साथ थी। जहां जहां ये काफिला सफर करता गया मेरी शहजादी इस काफिले के साथ थी। फातिमतुज़्ज़हरा मेरी शहजादी, हम पाकिस्तान की सरजमीन पर जुल्म के खिलाफ उठेंगे, मेरी भी मदद करेंगे हमारी, वो कभी तनहा भी छोड़ते वो शिकस्त पहलू शहजादी जो विलायत की राह की पहली शहीदा है मेरी आकाजादी। बीबी का मकाम बहुत बुलंद है। मैंने बाज़ उलमा से सुना है अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त था और दो वाक्य नकल करता हूं। बार बार दरवाजे पर दस्तक होती थी। बीबी ने खुद जानते हैं ना आपके, जब किसी की रूह निकलने का वक्त हो तो उसके सीने पर बोझ नहीं होना चाहिए। उलमा ने कहा अगर बटन तंग हो वो भी खोल दो। बार बार दस्तक होती और बीबी नाराज हो कहती है तू कौन है, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, बार बार दस्तक ना दे। तो अल्लाह के नबी ने कहा फातिमा बेटा ये वो है दरवाजे पर जो किसी की इजाजत नहीं लेता, ये तेरे दरवाजे का एहतराम है, मैं कुर्बान हो जाऊं जिस दरवाजे से मलाइका और मलकुल मौत भी इजाजत के बगैर आए, दुनिया वालों ने देखा उसको आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है और शहजादी दर दीवार के दरमियान ये कहती है फिजा आ फिजा खुजीनी फिजा मुझे सवाल मेरा मौसर शहीद हो गया। दूसरा कहते हैं कि मौला हुसैन को अल्लाह के नबी ने अपने सीने पर लिटाया हुआ था, अपने सीने पर। बीबी ने देखा मेरे बाबा का आखिरी वक्त है, मौला हुसैन को सीने से उतार लिया। अल्लाह के नबी ने आंखें खोल के कहा बेटा बेटा हुसैन को मेरे सीने पर रहने दो, ये मेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरा बेवा दिल है। अजीज इन दोनों मंजरों को देखो, आग जो मदीने में बीबी के दरवाजे को लगी फिर वो बुझी नहीं, करबला में बीबी की बेटियों के खेमों को लगी, शोले उठते रहे, कोई आग बुझाने वाला नहीं था। दुआ करे किसी घर को सोकत आग न लगे जब बुझाने के लिए पानी न हो। और मौला हुसैन का आखिरी वक्त देखे ना क्या हालत है, मेरे हुसैन का सर जगह जगह से कटा हुआ है, पेशानी की हड्डियां टूटी हुई हैं, अबरू जख्मी है, आंखों में इतना खून है आंखें खुलती नहीं है। मेरे इमाम थोड़ी थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से आप दाई आंख का गोशा खोल के खेमों को देखते हैं, मेरे इमाम के शाने कटे हुए हैं, दाढ़ी खून से लाल है, रुखसार जख्मी है, दांत टूटे हुए हैं, ये जालिम इमाम के मुंह में तीर मारते रहे, इमाम का हलक मुबारक भी जख्मी है, ये खंजर लेके आते हैं इमाम के गले में मारते हैं, निकाल के सीने में मारते हैं, मेरा इमाम खून में डूबा हुआ खाक में लेटा हुआ है, आखिरी वक्त है, इतना जख्मी है मेरा हुसैन, इतना खून बह चुका है मेरा हुसैन का कि अगर थोड़ी देर मिल जाती मेरे हुसैन की रूह खुद निकल जाती। एक मर्तबा मेरे हुसैन ने अपने सीने पर वजन महसूस किया, आपने देखा था ना मेरी शहजादी ने हुसैन को सीने रसूल से उतार लिया था, इधर जब सीने पर मेरे हुसैन ने वजन महसूस किया का लकद इर्तकई तबतक अजीम तालम कबल रसूलुल्लाह, जालिम तूने वहां पर रखा है जो बड़ी अजीम जगह है जिसे अल्लाह के नबी ने कदमों से लिया करते थे। इसी मंजर को याद करके मेरे बारहवें इमाम भी रोते हैं, कहते मेरे जान मुझे वह मंजर नहीं भूलता जब बुलंद टीले पे आके मेरी दादी ने क्या देखा था, वह शिमर जाले सुलला सदर ही शिमर मगरूर मौला हुसैन के सीने पे बैठा हुआ था, आके लुल्लाहिया का रूह बैत रही, इमाम की पाक दाढ़ी हाथ को पकड़े पसे गर्दन से जरमे चला रहा था, और मेरी शहजादी कभी वाजुर बता कहती कभी कहती या उमर अपने साथ आप दर्जरो वयुगदरो अबू अब्दुल्लाह अबा भी को में मुस्लिम, कोई है जो इस कातिल को रोके। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन।